नजरीन, कोरोना की वबा के दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से शुरू होने के बाद इस पर दुनिया के मुतअद्दिद मुमालिक के हुक्मरानों और हुकूमत में शामिल वुज़रा और अहम अफराद की जानिब से अनोखी बातें शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब तक जारी है। और कोरोना जैसी वबा के हवाले से अनोखी और गलत मालूमात पर बातें करने वाले सियासतदानों को अवाम की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और इस बार वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल को भी उनकी जानिब से कोरोना के हवाले से अनोखी मालूमात बताने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर ज़रताज गुल ने ऐसा क्या कहा है कि इनके फैंस इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। नजरीन, ज़रताज गुल ने 18 जून को पीटीवी न्यूज के प्रोग्राम सच के साथ में मेजबान सैयद अनवार उल हसन के साथ कोरोना वायरस के हवाले से बात की और बताया कि हुकूमत ने वबा से बचने के जमन में क्या इकदामात उठाए हैं। ज़रताज गुल ने कोरोना की वबा पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के हवाले से पहले दिन से वाजिया मौकफ है और वो कहते हैं कि वो बीमारी की वजह से अवाम को गुरबत में नहीं धकेल सकते। उनके मुताबिक अगर हुकूमत मजीद एक माह तक सख्त लॉकडाउन नाफज है तो मुल्क से 9 लाख छोटे कारोबार खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन को इख्तियार किया है। तहम बात उस वक्त गर्म हुई जब वफाकी वजीर ने कोरोना के हवाले से मजीद वजाहत की कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। और ये कि कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए अब वहाँ के लोगों पर है कि वो कुव्वत मुदाफत को कैसे पैदा करेंगे। और ज़रताज गुल की जानिब से कोविड-19 को दरअसल 19 पॉइंट्स करार देने पर सोशल मीडिया पर इन पर खूब तनकीद की गई है और 21 जून को इनका नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। और सोशल मीडिया पर कोविड-19 के 19 पॉइंट्स बताने की वीडियो क्लिप भी वायरल हो गई है, जिसके बाद ज़रताज गुल ने एक वजाती ट्वीट भी किया है और अपनी गलती भी तस्लीम की है। उन्होंने लिखा है कि वो रोजाना टीवी पर पर्ची के बगैर घंटों बात करती हैं और वो कोविड-19 के हवाले से कहना चाहती थी कि वबा का असर शिद्दत मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। और उन्होंने कहा है कि चंद लम्हों की खता पर यूं मातम कुना होने की बजाय अपनी जमातों के खशर नशर पर तवज्जो दें तो शायद उनके हक में बेहतर हो। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि वो तनकीद से नहीं घबराती बल्कि उससे और भी मजबूत होती है। जबकि यहाँ वाजिया रहे कि कोविड-19 के नाम में कू का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, जबकि डी का मतलब बीमारी है। और आलमी अदारे सेहत ने इब्तिदा में इसको 2019 नया कोरोना वायरस या 2019 एनको का नाम दिया था, तहम बाद अजा इसे कोविड-19 का नाम दे दिया गया है। नजरीन, इसी के साथ हम आज के वीडियो का अहतमाम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।